आ गए हम। बहुत कुछ घुटता है मेरे आसपास, बहुत कुछ घुटता है मेरे आसपास, घटता है मेरे आसपास, माफी चाहूंगी, बहुत कुछ घटता है मेरे आसपास, मैं बिखरती नहीं, मेरे खून में है आकाश का खुलापन और समुद्र की गहराई। गीता श्री जी की कलम से। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे पुरुष स्त्री की नजर में। उससे पहले कि हम इस विषय पर गुफ्तगू करें गीता श्री जी के साथ, हालांकि गीता श्री जी जाना पहचाना नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए बता दूं, गीता श्री जी ढेरों किताबों की रचयिता है। मेरी अगर पीछे कुछ किताबें हैं तो उनकी पूरी की पूरी अलमारी उन्हीं की किताबों से भरती है, और उन किताबों में चंद किताबों को मैं जरूर आपके सामने परिचय करूंगी। गीता श्री जी आशीनाबाद की लेखिका है, बारिशों की जुबानी, रेखाएं बोलती हैं, नागपाश में स्त्री, हिंदी सिनेमा, दुनिया से अलग दुनिया, कल से कलाकार, 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव, कथा रंग स्त्री को पुकारते हैं स्वपन, लेडी सर्कल, लिट्टी चोखा और अन्य कहानियां, वाया मीडिया, अधूरे समय में डाउनलोड होते हैं सपने, सपनों की मंडी, औरतों की बोली, ये वो चंद किताबें हैं जिनका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा गीता श्री जी के पास खजाना है, वो एक लेखिका हैं, एक पत्रकार हैं, एक सबसे बड़ी बात समसामयिक मुद्दों पर उनकी नजर तीखी रहती है। हमने जो आज का विषय लिया एकदम अलग है, पुरुष स्त्री की नजर में। आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारे पहलुओं पर। उससे पहले कि मैं गीता श्री जी के पास आऊं, एक छोटी सी घटना आपको मैं सुनाना चाहूंगी। हाल फिलहाल के दिनों में, अगर मैं बिल्कुल एकदम सही कोट करूं, अमर उजाला में एक खबर आई थी, हाई कोर्ट का ये कहना था कि पत्नी का सिंदूर चूड़ी पहनने से मना कर देना मतलब शादी को अस्वीकार करना, जिसने ब्रेक डाली उसको इस आधार पर तलाक मिला। ये सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, हम थोड़ा सा ठहर के सोचते हैं कि कैसी मानसिकता है, स्त्रियां कैसे सोचती हैं इसके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले भी एक सूचना आई थी कि अग्रवाल समाज में बारात में महिलाओं के नाचने पर पाबंदी लगाई। हम सब जानते हैं तमाम, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो, गीता श्री जी भी मेरी बात से सहमत होंगी कि तमाम बारात में जो लोग नाचते हैं उनका नाच तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि नागिन डांस ना हो। ढेर सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं पुरुष करता है, इसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो स्त्रियों के लिए तो पाबंदी बनता है और पुरुष के लिए हमेशा आजादी का सवाल खुले सांड की तरह। मैं माफी चाहूंगी मेरे उन तमाम मित्रों से भी जो मेरी इस भाषा पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुझे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे फरमान जारी अगर होते हैं, फतवे जारी अगर होते हैं, तो अगर हम सांड शब्द का प्रयोग भी कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगा। बहरहाल उसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहूंगी कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँ। दूसरी बात, गीता श्री जी, आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताना चाह रही हूँ मैं। आप सुन रहे हैं मुझे गीता श्री जी? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप, वो जो रेड, हाँ जी, आप सुन रहे होंगे मेरी बात को ना। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाना चाहती हूँ उससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ। क्या हुआ कि जब मैंने एमफिल किया रोहतक से, शादी हो चुकी थी, शादी मेरी बीएड के दौरान ही हो, उसके बाद शादी करते ही मैं अपना करनाल चली गई बीएड करने, रोहतक आ गई अपने काम से। एक ही रात हम लोग रहे थे, अगले दिन अपने अपने काम को चले गए। शादी हमारे लिए एक काम की तरह था, जैसे दूसरा काम है ये भी एक काम था, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ रही थी, मुकेश भी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे थे। तो करनाल बीएड करने के बाद फिर मैं रोहतक से मैंने एमफिल किया, शादी मेरी हो चुकी थी तब तक। हुआ यूं, किस्सा मजेदार है आपके लिए गीता श्री जी, और मैं चाहूंगी कि आप इस पे प्रतिक्रिया जरूर दें।
क्या हुआ कि शाम के वक्त ऑलमोस्ट जब मुकेश का ऑफिस जो था वो लगभग आधा किलोमीटर के आसपास था जहां से हमने किराए का मकान लिया हुआ था, जहां से हम जहां पर हम रहते थे, मैं और मुकेश ही रहते थे। तो हम अक्सर शाम को क्या होता था, मैं टहलते टहलते मुकेश के ऑफिस की तरफ आ जाती थी ताकि जब उनका ऑफिस कंप्लीट हो तो हम दोनों टहलते टहलते घर की तरफ आ जाए, हम मतलब जहां हम रहते थे वहां। गर्मियों का दिन ज्यादा मतलब इतनी भी रात नहीं हुई थी कि किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, 7-8 के आसपास का टाइम रहा होगा। रोहतक की घटना मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली के आसपास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं। और तमाम जो मेरे लोग जो हमारे मित्र हैं इस चर्चा को सुन रहे होंगे उसमें रोहतक के लोग भी इस चर्चा से परिचित हैं बहुत अच्छे से कि वो हम लोग शाम के वक्त जब आए वहां से, मैंने ऐसे ही पैंट पहनी हुई थी और कुर्ता पहना हुआ था और ऐसे शाम को टहलते हुए गई थी ऑफिस की तरफ मुकेश को लेने एक तरह से। तो मुकेश भी लगभग बाय चांस की बात थी कि हम लोगों ने ना उस वक्त क्योंकि दोनों पतले पतले हुआ करते थे, पैंट एक दूसरे की पहन लेते थे, जींस मुकेश की जींस मुझे भी आ जाती थी तो हम एक दूसरे की जींस पहन लेते थे। तो क्या हुआ वो बाय चांस का भी मैच कर गया और उसका भी जींस का कलर भी। तो मुकेश और मैं बस रोड पे आए थे जस्ट, जैसे ही पहुंचे एक इतनी जोर की चीखती हुई बाइक और स्कूटर हमारे आगे आके रुकी बहुत बुरी तरह से, मतलब आप ये मानिए कि टक्कर होते होते बची। तो हमें एकदम चौंके ऐसे कि क्या हो गया, पुलिस वाले दोनों वर्दी में और हमें दोनों को घेर लिया, मैं मुकेश बीच में, एक तरफ स्कूटर वाला एक तरफ बाइक वाला, दो स्कूटर पे लोग और दो बाइक, चारों ने हमें घेर लिया। हमें समझ ही ना आए कि क्या हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हम अब कुछ कर भी नहीं रहे थे, भी बड़ा बाहों में बाहें डाल रहे हो या एक दूसरे से लिपटे हुए, कुछ भी नहीं, सड़क पार कर रहे थे बस, ऐसे ही दोनों साथ साथ में थे बस, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो हम उनके मुंह की तरफ देखे कि क्या हुआ, तो पुलिस वाले ने कहा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा अपने घर, तुम कहाँ की हो, समझ गई मैं तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है और अपने घर जा रहे हैं। कह रहे हस्बैंड वाइफ कैसे हो तुम, कैसे के जैसे हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि है नहीं तुम्हें देख के कि तुम दोनों की शादी हो रही होगी, और उस वक्त हम दोनों पतले पतले भी थे, खैर नो डाउट जैसे लड़के लड़कियां होते हैं ऐसे ऐसे ही दिखते थे क्योंकि शादी ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे और ऐसा कुछ किया हुआ भी नहीं था जिससे पता लगे कि उनकी उनके अनुसार कि शादी शुदा है। इन शॉर्ट उन्होंने हमें मतलब पूरा 1.5 घंटा इतना जलील किया ना, मतलब बेहूदगे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि तुम मतलब भागने के फिराक में थे, ऐसे लड़के लड़कियां घूमते हैं, हमने बहुत देखे हैं ऐसे ये और वो थाने में ले जाने की जिद पे, पुलिस पकड़ना चाह रही है हम दोनों को ताकि हमें थाने में ले जाए। हम दोनों इस बात पे अड़े हुए कि हम थाने में नहीं जाएंगे। तो मैं क्योंकि हम लोग स्टूडेंट इस वक्त थोड़ा सा एक होता ही है गुस्सा, मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे ये बताइए मुझे थाने में ले क्यों जाना चाह रहे हो, कह रहे आप लोग भाग रहे हो, मैंने कहा किसी ने कह दिया आपको भाग रहे हैं, हमने प्यार से समझाया, मैं कहा देखो ये रहा हमारा ऑफिस, पीछे ठीक उसके ऑफिस था, मतलब ऑफिस से बाहर ही निकले थे जस्ट, और 1 किलोमीटर से भी कम आधा किलोमीटर के पास घर, मैंने कहा वो हमारा घर रहा वो हमारा ऑफिस रहा, किसी से भी पूछ लो कि हम तो दोनों पति पत्नी है और हम भागेंगे कहाँ, हम तो अपने काम से घर जा रहे हैं, माने ही ना। मैंने उसको कहा मैं ऐसा है सर थाने में तो मैं जाने से रही और खींच के आप मुझे ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास लेडी पुलिस नहीं है। दूसरी चीज रही बात आपके थाने की, जिसकी सुरक्षा की आप दुहाई दे रहे हो और आप बड़ा लड़कियों का पक्ष लेते हो, मैं कहा वहां थानों में रेप तक होते हैं और ये आप जानते हैं, मैं आपके लोग आप जैसे गंदे आदमी के शिकार नहीं होना चाहिए, अड़ गई मैं बिल्कुल, मगर आप हाथ लगा के दिखाओ मुझे मैं नहीं जाऊंगी था। खैर कुल मिला के वो झकझुक मार के वो समझ आ गया उनको कि ये जाने वाले नहीं है। तो पूरा 1.5 घंटा उन्होंने टॉर्चर किया हमें खड़े होकर, चले अगले दिन हमें FIR दर्ज करी। मोरल ऑफ द स्टोरी की तस्वीर जी क्या हुआ, हमने FIR दर्ज करवा दी उन दोनों के खिलाफ क्योंकि नेम प्लेट थी उनके, बाइक नंबर हमने नोट कर लिया, स्कूटर नंबर। अगले दिन हम जब सेक्रेटरी में पहुंचे और जब बयान हुए हमारे, मुकेश के अलग बयान है वो मेरे, अगले दिन में मैं ऐसे ही गई थी,
आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग उसमें बयान होने थे वहां 7-8 लोग थे पुलिस वाले, और एक जो जो बड़ा उनका अधिकारी था उसने बयान लेने थे। वो बोला हाँ जी बताओ, जैसे पूछते घटना मैंने बता दिया, ये हुआ ये हुआ, सारा सुन के पता क्या कह रहे हैं मेरे को चुपके से ऐसे पेन रख के, वैसे आपको एक बात कहूँ, मकान जी कहिए, कह रहे कि आप लगते तो है नहीं वैसे शादी शुदा क्योंकि कोई निशानी तो थी नहीं, शादी की निशानी बहुत जरूरी है, आप शादी शुदा है तो आप उसकी निशानी तोड़ के घूमिए। मैंने ये कहा कि गीता श्री जी, मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं ना आईडी कार्ड बनवा के रखूंगी, अब जेब में डाल के रख करूंगी, आईडी कार्ड बनवा लेती हूं और दिखा दिया करूंगी, जब पुलिस वाले पकड़ेंगे ना ये कह दूंगी कि देखो ये आईडी कार्ड रहा, मैं शादीशुदा हूं। तो ये सत्य घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास, तो मैं सीधा अब आपके पास आती हूं कि स्त्रियों की नजर में, ये केवल आपके आपकी चर्चा नहीं कर रही मैं, तमाम हमारे समाजों की महिलाएं, वो चाहे कोई भी समाज हो, हम भारतीय समाज की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं गीता श्री जी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि स्त्रियों के नजर में पुरुष क्या है। शुक्रिया कौशल, मुझे तुमको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, तुम बहुत अच्छी बातें, बहुत बहुत, अभी कोर्ट का जो फैसला था शादी के चिन्ह को लेके और सुहाग चिन्हों को लेके, उस पर तुमने बहुत अच्छी सच्ची घटना सुनाई, और उस खबर से हम सब गुजरे थे, और बहुत दुखदायी खबर है कि कोर्ट भी अगर इस तरह से इतना संकीर्ण ढंग से सोचे स्त्रियों को लेके तो वो बहुत दुखदायी है। तुम्हारा जो विषय है कि पहली बार, मैं सबसे पहले तुमको धन्यवाद कि तुमने मुझसे बातचीत का एक समय निकाला, अपने मंच पे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया, और मेरे सारे तमाम दोस्त जो आए हैं उन सबका धन्यवाद। मेरी आवाज 2 दिन से बैठ गई है इसलिए मैं बहुत सुरीली नहीं, मेरी आवाज में जो दरारें पड़ गई हैं उन दरारों से होकर जो आवाज आएगी मैं उसमें आपसे बात करूंगी। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है कौशल, ये इतना आसान 2 लाइन में मेरे पास इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक या जितने मैंने ग्रंथ पढ़े, जितने मैंने स्टडी की, जितने लोगों से बात की, उस वो ज्यादातर आदमी की निगाह में औरत पर बात करते हैं, औरत की निगाह में स्त्री, इसकी चिंता तो कोई करता ही नहीं है। कोई आपने पहली बार, मैं तो ढूंढती रह गई कि कहीं मुझे कुछ ऐसा मिले जिसमें स्त्रियों ने पुरुषों के बारे में कुछ बातें की कही हो ऐसी, या कोई विचार किया हो, स्त्रियों ने भी जो विचार किया वो पुरुषों की निगाह से ही खुद को देखा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम पुरुषों की निगाह से ही खुद को देखते हैं। लेकिन जब आपने ये सब्जेक्ट अब उठा दिया है तो मुझे याद आ रहा है कि राजेंद्र यादव जी ने किताब लिखी थी आदमी की निगाह में औरत, उस वक्त भी हम लोग को ये ध्यान नहीं आया था कि कोई किताब ऐसी भी तो होनी चाहिए जो आज मैं इस मंच से चाहूंगी कि इस पर हम सोचे कि स्त्री की निगाह में मर्द या स्त्री की निगाह में पुरुष, कुछ ऐसी भी किताब होनी चाहिए कि स्त्री की निगाह में, क्योंकि हमने कभी उस तरह से सोचा इसलिए नहीं कि हमारी पोजीशन नहीं रही, हमारी स्थिति नहीं रही ऐसी कि हम कभी ये सोचे कि हमारी नजर में हमारा मालिक कैसा है। देखिए, गुलामों को इतनी इजाजत नहीं होती कि वो अपने मालिक के बारे में कोई राय कायम करे। स्त्री और पुरुष का जो सनातन संबंध है शुरू से, शोषक और शोषित का, गुलाम और सेक्स स्लेव का, मालिक और मालिक का और गुलाम का रहा है पूरा। आप पूरी स्त्री का इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरी परंपरा उठा के देख लीजिए, तो उन दोनों का संबंध ऐसा रहा है। तो गुलाम सोचता नहीं है कि गुलाम को कोई हक नहीं है कि वो अपने मालिक के बारे में कोई राय बनाए, लेकिन अब चूंकि गुलामी से मुक्ति मिल चुकी है, हम सब एक आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और हमने अपने आप को पढ़ा लिखा के इस लायक बना लिया है कि अब हम चोट कर सकते हैं, अब हम इस पर बात कर सकते हैं, इसलिए आज इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कोई ठोस बात इस पर इसलिए कह पाऊंगी क्योंकि आज से मैं इस मंच से एक ये विषय अपने दिमाग में बसा लेना चाहती हूँ कि मैं आगे इस पर सोच सकूं और बातें कर सकूं और चीजें ढूंढ सकूं कि सच में स्त्रियां पुरुषों के बारे में क्या सोचती हैं। आप स्त्रियों से पूछेंगी, अगर यहाँ पे मौजूद लोग हैं
वो एक लाइन में बता दे या पुरुषों के बारे में अपनी राय व्यक्त करे तो मैं जान जाऊं, नहीं करेंगी। इसकी दो रीजन है, एक तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी निगाह में पुरुष कैसा है, दूसरा वो अगर सोचा भी है, अगर वो उनका अनुभव भी है पुरुषों के बारे में कि वो कैसे हैं, तो उनमें साहस नहीं है पुरुषों के खिलाफ बोलने का, क्योंकि वो पुरुषों को जानती है कि वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहती है, पुरुष वर्चस्व के खिलाफ अभी बोलने की ताकत सिर्फ कहानियों और कविता में आई है, बयानों में नहीं आई है, लेखों में आई है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट नहीं देंगी। लेख अलग चीज है, कहानी कविता में आप रात दिन रोते रहते हैं, पितृसत्ता ने ये किया वो किया, हाय 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 नासो इसका, लेकिन खुल के स्टेटमेंट नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि एक कोई राय बनी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मर्दवादी मानसिकता, एक ये बोलते हैं कि पुरुष, लेकिन मुझे अनामिका कवियत्री अनामिका का एक कोट याद आता है कि स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी हो गई हैं, लेकिन पुरुष अभी भी रामगुप्त है, वो चंद्रगुप्त नहीं हो पाए हैं। तो एक स्त्री होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि पुरुषों में भी चंद्रगुप्त होने नहीं हो पाए, अभी तक वो रामगुप्त है, लेकिन स्त्रियां ध्रुव स्वामिनी हो गई हैं, मतलब स्त्रियां सचेतन हो गई हैं, लेकिन पुरुषों में उनको एक्सेप्ट करने का वो साहस नहीं आया है। जो इन दिनों की जो सारी लड़ाई है वो लड़ाई यही है, साथी के रूप में एक्सेप्ट करने की, एक यूनिट के रूप में, दो यूनिट है, दोनों यूनिट एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, वो नहीं। एक मैं युवा आलोचक को सुन रही थी, उसने मंच से कहा था, जितेंद्र नाम, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने ये राजा फाउंडेशन के समारोह में कहा था कि प्रेम के धरातल पर दोनों समान होते हैं और विवाह के धरातल पर असमान होते हैं। तो ये जो वैवाहिक संस्था है, सारी गड़बड़ वहां से शुरू होती है। तो इसीलिए जो राय बनेगी विवाह के बाद बनेगी पुरुषों को लेके, और उसके बाद राय बनाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन चूंकि आज मैं आपके सवालों का सामना करने को हूँ, तो मैं खुलकर बताऊंगी कि या बोलूंगी कि स्त्रियों को जिस धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत ऐसे नायकों की तलाश है, वो मुझे कहीं आसपास दिखाई नहीं देता है। पुरुष जन्मजात बेवफा प्रजाति है, पुरुष सैडिस्टिक प्लेजर लेता है, पुरुष के भीतर, हर पुरुष के भीतर चाहे कितना प्रोग्रेसिव हो, उसके भीतर एक तालिबानी, उसके दिमाग में एक तालिबानी बैठा रहता है, एक तालिबान उसके दिमाग में। स्त्रियां सर्वहारा है, पुरुष बुर्जुआ है, पुरुष संतुलित संबंध पसंद नहीं करते हैं, उन्हें स्त्री के साथ संबंधों में संतुलन नहीं चाहिए, उन्हें आसमान, पृथ्वी, धरातल सब चाहिए लेकिन ऊंचा नीचा उनको एक ऐसा धरातल उनको नहीं चाहिए जहां स्त्री बराबर खड़ी हो। जो ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि वर्जीनिया, यहाँ पे मैं वर्जीनिया को कोट करना चाहूंगी, वर्जीनिया कहती थी कि जब तक स्त्री मर्द के बारे में सोचती रहती है तब तक मर्दों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बारे में सोचती है, मेरे इर्द गिर्द घूमती है, सिर्फ मेरे बारे में, देखो ये तो घर के सिवा कुछ सोचती नहीं है, मेरे अलावा कुछ, मेरे मतलब मेरे फंदे से, मेरे जाल से बाहर है ही नहीं। जैसे ही तो कि सोच अपने बारे में सोचना शुरू करती है, सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। यहाँ अभी कोई कोई और ऐड हुआ, वो सुनने कोई और मैडम ऐड हुई सुनने के लिए है। अच्छा, वो आगे आते हैं इस पे। तो देखिए, मैं बल्कि मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि हर महान मर्द के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अगर औरतें कहती हैं, झूठ कहती हैं कि हर महान औरत के पीछे किसा है, ट्रेंड मेड का हाथ होता है है, क्योंकि वो हमारा घर परिवार संभालती है, हमारे बच्चे संभालती है, तब हम बाहर काम कर पाते हैं। असल में मर्द औरतों की ताकत से डरते हैं। जेन ऑस्टिन विचारक हैं, वो कहते हैं कि स्त्री को बौद्धिक नहीं बनना चाहिए, बौद्धिक स्त्रियां डराती हैं, पुरुष स्त्री की बौद्धिकता से डरता है। तो मूलतः पुरुष एक डरी हुई प्रजाति है, जो पुरुष है वो डरी हुई प्रजाति है, स्त्री हर सुनो थोड़ी सी आवाज में से डर है, वो जी जी खरता से डरता है, इसलिए उसको घेरता है, वो लगता है
वो स्त्री की यौनिकता से डरता है, इसलिए उस पर पहरे बिठाता है। आपको याद दिला दूं कि यूरोप में मध्य युग युग में पुरुष थे जो कबीलाई पुरुष थे, वो औरतों के यौनांगों पे चेस्टिसिटी बेल्ट लगा के जाते थे और शाम को लौट के फिर बेल्ट खोलते थे। उनको स्त्रियों से इतना भय लगता था। ये दमन कब शुरू होता है? जब किसी से आप भय खाते हैं। दो बराबर लोग एक दूसरे का दमन नहीं करते हैं क्योंकि वो भय नहीं खाते, वो सहचर है। दमन वहां होती है जहां आपको भय लगता है। तो पुरुष मूलतः एक डरी हुई प्रजाति है, इसीलिए वो स्त्रियों पे इतने उनकी इतने बंधन, इफ एंड बट्स, इतना सब कुछ होता है। मेरा बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा, इसलिए आपको सवाल करेंगी तो फिर मैं और जवाब दूंगी, नहीं तो जी मैं एक छोटी सी बीच में आपसे ब्रेक लेके, पोलैंड की एक प्रसिद्ध कवित्री है डोमिने, उनकी कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा इसी बहाने पानी के लिए। मैं तमाम दर्शकों को ये भी बता रहा हूँ, हाँ, बढ़िया। गीताश्री जी की गला बहुत खराब था, कल भी हमने इस चर्चा को रखा था और मेरे रिक्वेस्ट करने से, दबाव से कहेंगे बल्कि दबाव से, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आपने देखा होगा कि इतनी एक तरह से गायन की जो उनकी जो शैली है, जिस तरीके से बोलती हैं कहानियों के बीच में भी, मैं तो चाहती थी कि उसका रसा स्वादन और जो उसमें संदेश छिपा होता है वो भी सुनते, लेकिन क्योंकि गीताश्री जी का गला बहुत खराब है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये उन्होंने खुद भी कहा है, तमाम पहलू हैं इसके ऊपर, एक एक चर्चा में इसको समाहित करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और तमाम सवालों को भी हम बीच में लेंगे। उससे पहले मैं हमारी जो प्रसिद्ध एक पोलैंड की प्रसिद्ध कवित्री है डोमिने, उनकी कविता का मैं पढ़ना चाहूंगी गीताश्री जी से परमिशन लेके। आसान नहीं होता जी, गीता जी, आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना, आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि उसे पसंद नहीं होती जी हजूरी, झुकती नहीं वो कभी जब तक ना हो रिश्तों में प्रेम की भावना, झुकती नहीं वो कभी जब तक ना हो रिश्तों में प्रेम की भावना, तुम्हारी हर हाँ में हाँ और ना में ना कहना वो नहीं जानती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं झूठ की डोर में रिश्तों को बांधना, वो नहीं जानती स्वांग की चाशनी में डुबोकर अपनी बात मनवाना, वो तो जानती हैं बेबाकी से सच बोल जाना, फिजूल की बहस में पड़ना उसकी आदतों में शुमार नहीं, लेकिन वो जानती हैं तर्क के साथ अपनी बात रखना, वो क्षण क्षण गहने कपड़ों की मांग नहीं किया करती, वो तो संवारती हैं स्वयं को अपने आत्मविश्वास से, निखारती है अपना व्यक्तित्व मासूमियत भरी मुस्कान से, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकती हैं तो तकलीफ में तुम्हें संभालती भी है, उसे घर संभालना बखूबी आता है तो अपने सपनों को पूरा करना भी, बहुत बढ़िया बात कही है, उसे घर संभालना बखूबी आता है तो अपने सपनों को पूरा करना भी, अगर नहीं आता तो किसी की अनगर्ल बातों को मान लेना, पुरुष के आगे वो नतमस्तक नहीं होती है तो निस्वार्थ प्रेम के आगे, और इस प्रेम की खातिर अपना सर्वस्व नुछावर कर देती हैं, हौसला हो निभाने का तभी ऐसी स्त्री से प्रेम करना, हौसला हो निभाने का तभी ऐसी स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि टूट जाती हैं वो धोखे से छलावे से पुरुष अहंकार से, फिर जुड़ नहीं पाती किसी प्रेम की खातिर, फिर जुड़ नहीं पाती किसी के प्रेम की खातिर। इस कविता को सुनने, इस कविता को सुनकर एक धारणा तो बन रही है कि पुरुष मूलतः द्वेषी होता है। हाँ बताइए, पुरुष मूलतः स्त्री द्वेषी होता है, उसका स्वभाव अलोकतांत्रिक होता है, वो स्त्रियोचित गुण
वो हम पर थोपना चाहता है, अपना कर्म अपने लिए रखना चाहता है। तो इसलिए बहुत से विद्वान स्त्रियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क के बीच जब बहस हुई तो याज्ञवल्क ने क्या क्या कहा था उनको कि चुप हो जा, नहीं तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सारी सभा मौन थी, सभा भीड़ तो कायर होती है, भीड़ कायर थी। सारी सभा ने एक स्त्री का अपमान देखा और एक इतना बड़ा ऋषि, उसने गार्गी को कहा कि चुप हो जा, और गार्गी को चुप हो जाना पड़ा। तो आप देखिए कि स्त्री द्वेष तो हमें तो खून में, पुरुषों को तो खून में मिला है, मूलतः वो स्त्री द्वेष ही होते हैं, जबकि स्त्री पुरुष दोनों की बौद्धिक क्षमताएं बराबर है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है अभी भी। तभी तो स्त्री लेखन को संदिग्ध मानते हैं, जबकि मैं पुरुषों द्वारा लिखे गए तमाम स्त्रियों स्त्री लेखन को संदिग्ध मानती हूँ, क्योंकि जो 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 विक्टिम है उसका लिखा सच मानू, या जो जो अपराधी है वही जज बने, वही फैसले सुनाए, वही वकील बने, उसको सच मानू। मैं नहीं मानूंगी, मैं खारिज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ। दरअसल पुरुषों को आदत है बाला बोधनी, स्त्री सुबोधनी, ऐसी स्त्रियां चाहिए। अब उसको सबसे अधिक चिढ़ होती है स्त्री विमर्श से, इसलिए उसको मान्यता नहीं देना, उस पर बात नहीं करना चाहता है। और पुरुषों को सबसे अधिक दिक्कत किस बात से है, स्त्री की जो अस्मितावादी विमर्श है उससे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो केयर ऑफ से निकल जाती है स्त्रियां, उनकी छाया से बाहर निकल जाती है और अपना चेहरा तलाशने लगती है, अपना पता तलाशने लगती है। और पुरुष को दिक्कत वहीं से होती है, क्योंकि पुरुष अपने को स्त्री का पता मानता है, अपना पता मानता है, घर होता है स्त्री का और पता पुरुष का होता है। तो इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि समय आ गया है कि स्त्री पुरुष संबंधों का पुनर्पाठ बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष सारे पाप करके घर लौट सकता है और पवित्र हो जाता है, लेकिन स्त्री के लिए ये संभव नहीं है। तो आज भी स्त्री की अनेकता पे कड़े प्रतिबंध है, पहरे हैं, पुरुष खुद आखेटक है और स्त्री आखेट है उसका, चाहे वो घर में आखेट करे या बाहर करे। तो जो और फतवा जारी कौन करता है, पुरुष जारी करता है, और उस पे मुहर लगाती हैं स्त्रियां ज्यादातर, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, क्योंकि वो उस पे मुहर लगाएंगी। तो और पुरुष मूलतः स्वभाव से कट्टर होता है, और स्त्री की लड़ाई, इस समय की स्त्री की सारी लड़ाई उसी कट्टरता से। मुझे ये बताइए कि जब हम पुरुष बात करते हैं, वो हमारे पिता भी हो सकते हैं जिसको हम बहुत आदर से देखते हैं, बहुत हमारे लिए हीरो भी होते हैं, हमारे लिए आदर्श होते हैं। वो भाई भी हो सकता है, वो मित्र भी हो सकता है, वो प्रेमी भी हो सकता है, किसी भी रूप में पुरुष हो, वो कहीं ना कहीं जब स्त्री अस्मिता का खड़ा करती है अस्तित्व, यहाँ तक कि महिलाएं भी कहीं ना उसी ओर झुकती है। हाँ, कंडीशनिंग ऐसी है उनकी, वो चाहे बहन के रूप में हो, चाहे प्रेमिका के रूप में हो। हाँ, प्रेमिका से याद है, मैं आपको एक छोटी सी बातचीत बताना चाहूंगी। एक लड़की एंगेजमेंट होती है एक लड़की की, और जब सगाई हो जाती है, रिश्तेदारी में ही होती है सगाई, प्रेशर जैसे अब रिश्तों के बीच में जो सगाई हो जाती है, तो वो लड़का दोनों खूब बातें करते हैं। और अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आजकल जिस तरीके से सारे आयाम फोन ने भी उपलब्ध करवाए हैं, जो पहले मंगेतर छुप छुप के आया करता था मिलने, डर डर के देखने के लिए कहीं खिड़की से, या कहीं जहां अगर लड़की पढ़ती होती, या हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था, आता था, लेकिन आजकल फोन पे ही सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो उस लड़के ने क्या किया, किसी तरीके से उस लड़की से प्रेम भाव में आके, और लड़की क्योंकि लगातार उसके साथ प्रेम में भी हो चुकी थी और डायलॉग भी उनका लगातार था, तो इमोशनली उस लड़के ने उस लड़की का फोन हैक करवा दिया। मतलब उस लड़की की सारी डिटेल्स, फोन में क्या है उसके, सब कुछ, सारी जानकारी उस व्यक्ति के पास थी। और जैसे ही उसके पास सारी जानकारी आई, उस लड़की को उसने कहा कि तुम तो करेक्टरलेस हो, मेरे अलावा भी तुम इतने से इतने बजे फलां से बात करी, इस नंबर से इतने बजे तक तुमने इसमें की, इतने से विद प्रूफ। जाहिर सी बात है उसके पास उसका सारी की सारी फोन डिटेल थी। तो वो लड़की सेल्फ डिपेंड लड़की है, मैं आम लड़की की बात नहीं कर रही, जो अच्छा कमाती है उससे ज्यादा कमा रही है, बिल्कुल एकदम उससे ज्यादा कमा रही है, स्टेटस में अच्छा है,
वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, मतलब जैसे आम जो घरों की जनसंख्या है उन उस स्टेटस से ऊपर के स्टेटस की है, इसके बावजूद भी उस लड़की ने खुद स्वीकार किया कि उसकी गलती है कि वो लड़कों से बात करती है और वो माफी मांगने के लिए तैयार है। लड़का धमकी देता है कि मैं तुम्हारे साथ सगाई तोड़ूंगा और वो लड़की ये कहती है कि नहीं आप, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूं। देखिए हम लड़कियों की ये ठीक कह रही हो, ऐसा ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हैं, वो अकेली लड़की नहीं है, वो लड़की तो एक प्रतिनिधि के तौर पर है, ऐसी अनेक किस्से मेरे पास, मैं तो औरतों से संवाद करती हूँ, मैं ऐसी अनेक औरतों को जानती हूँ जो कमाती हैं, अच्छा कमाती हैं, पूरा का पूरा उनकी कमाई का सारा पैसा उनके घर वाले रख लेते हैं, पति रख लेता है और उनको खर्चे के लिए पैसे देता है, अगर वो भिड़ती है तो उसको सुनना पड़ता है कि अच्छा जो बाहर स्त्री जिस दिन चौखट से बाहर पैर रखती है उसी दिन से उसके चरित्र पर उंगली उठना शुरू हो जाता है। तो ये तो देखो औरतों को अपनी खाल मोटी करनी पड़ेगी ये सुनने के लिए कि वो चरित्रहीन है, हर स्त्री चरित्रहीन है, अगर वो बाहर निकल के काम करती है, पुरुषों के बीच में उठती बैठती है, उनके साथ काम करती है, उनसे बात कर लेती है तो चरित्रहीन है। मुझे बस आपत्ति इस बात की है कि जो प्रजाति यानी पुरुष जो सदियों से बेवफा है, जिसने अपने लिए अय्याशी के ठिकाने बनाए, उसने अपने लिए गणिकाएं रखी, राजाई नगर बधू बनाई, जिसने कोठे बनाए, उसको नैतिक साहस कहाँ से आता है कि वो किसी स्त्री पर उंगली उठाए कि तुम बेवफा हो या तुम चरित्रहीन हो, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, ये पुरुष कहेंगे कि मैं तो नहीं हूं, लेकिन हमारा समुदाय था, तो भाई तुम आप नहीं थे, लेकिन आपके तो दिमाग में यही बात भरी हुई है ना कि जो स्त्री बाहर निकलती है चार पुरुषों से बात करती है वो बेवफा है, सोनम गुप्ता भी वफा है, मैंने तो लिखा हुआ नहीं, सोनम गुप्ता बेवफा है क्योंकि सोनम एक स्त्री है। ये तो है भारतीय समाज कि जो स्त्रियों के चरित्र से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, जबकि चरित्र और व्यक्तित्व दो अलग चीजें हैं, हम कभी उसको अलग करके नहीं देख पाते। इतनी संकीर्ण सोच, इतनी खराब सोच और इतने जो कंडीशनिंग है शुरू से चली आ रही है कि जो मनुस्मृति में है कि स्त्रियों को बांध के रखो और स्त्रियों को कंट्रोल में रखो, पुरुषों को असल में अभ्यास नहीं है कि स्त्रियों को कंट्रोल में न रखने का, तो अचानक स्त्रियां जिस छंद बंद खुल गए तो स्त्रियां बंद खुल गईं, वो आजाद हो गईं, उनको आर्थिक एम्पावरमेंट मिला तो वो अपने दम पे अपने ढंग से फैसले लेने लगी, बाहर निकलने लगी, अपने मन का साथी ढूंढने लगी, दोस्त बनाने लगी। आज भी हमारा समाज और परिवार किसी स्त्री को पुरुषों से घनिष्ठ मित्रता की इजाजत नहीं देता है, सारी स्त्रियां अपने घनिष्ठ मित्रता को छिपा के रखती, उस मित्र से उनका कोई ऐसा संबंध नहीं होता है जैसे पुरुष पुरुष की दोस्ती होती है, स्त्री स्त्री की होती है, वैसे ही स्त्री और पुरुष की दोस्तियां मैंने देखी हैं, लेकिन वो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उसको खुलेआम ओन करे, क्योंकि घर में भी उंगली उठेगी, बाहर भी उठेगी, लोग चलते उससे उसका रिश्ता जोड़ देंगे, जबकि जरूरी नहीं है कि उससे उसका रिश्ता हो। तो क्या ना इनसिक्योरिटी पुरुषों में सुरक्षा बोध होती है, स्त्री को लेके भयंकर, इतना इनसिक्योर जैसे प्रॉपर्टी को लेके होती है, यही बोध पुरुषों में स्त्री को लेकर भी है, क्योंकि स्त्रियों को तो प्रॉपर्टी के बराबर जर जरूर जमीन तीनों को एक जैसा माना गया है, तो उनको लगता है कि ये स्त्री हाथ से निकल जाएगी। इस इनसिक्योरिटी में पुरुष जीते हैं, तो पुरुष भयंकर असुरक्षा बोध के शिकार होते हैं। जी इसी का ही सवाल आपके लिए, जी इसी का सवाल आ चुका है, कुछ सवाल देख लेते हैं। हाँ जी सवाल देख लीजिए। राजवंत राज जी कहते हैं, अपनी नजर से हमें हजार बार देखा है, अपनी नजर से हमें हजार बार देखा है, बस एक बार हमें हमारी नजर से देखकर देखो डैश डैश, और यही संभव नहीं हो पाता है पुरुषों से। देखिए हमने तो आपकी नजर से ही और अपनी नजर से दोनों की नजर से देखा, तभी तो तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो हम तो राजेंद्र जी ने लिखा है ना कि होना और सोना एक दुश्मन के साथ, तो हम स्त्री पुरुष का संबंध तो दो प्यारे दुश्मनों का है कि तुम्हारे बिना रहा भी न जाए, न साथ रहा जाए, न दूर रहा जाए, दूर नहीं जाना कि पास नहीं आना वाला द्वंद है स्त्री पुरुष के बीच में। तो जी दीदी के, अच्छा
दीदी प्रणाम। अपने मन से सोच लिया कि हम टीडीएच पर लूटे जाते हैं। ये टीडीएच क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आया। उषा किरण का, हाँ हाँ दीदी दीदी टीडीएच ये क्या होता है मुझे नहीं पता, उषा किरण खान जी खुद बताएं कि ये टीडीएच क्या होता है, तो हम गीता दीदी समझ नहीं आया मुझे। देखिए मुझे तो हाँ जी जी बताइए आपको पता है क्या होता है। देखिए नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दीदी ने कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा है। देखिए मैं तो यहाँ पे जो पुरुष लिख रहे हैं ना कि हमारी नजर से देखो, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ उन्हीं लोगों से जो जो खलील जिब्रान ने भी लिखा है, पुरुष होते हुए खलील जिब्रान ने लिखा है कि मुझे किसी ऐसे पुरुष का पता बता दो जो अपनी पत्नी को उसी आंख से देखता हो जिससे वो अपने आप को देखता है, तो फिर हम स्त्रियों से क्यों उम्मीद कर, जैसे अपनी प्रेमिका को देखता है वो इतना ही करके देख ले छोड़िए अपने आप को। वो खलील जिब्रान ने लिखा है भाई पुरुषों की इसी मनोवृत्ति पे, कि कोई ऐसा पुरुष बता दो जो अपनी पत्नी को उसी आंख से देखता हो जिस आंख से वो अपने आप को देखता हो। तो जब आप नहीं देखते उसी आंख से तो हम स्त्रियों से क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपनी आपकी आंख से देखें। आंख तो दोनों की बराबर होनी चाहिए एक दूसरे पर। आप सवाल लीजिए। और जी महिमा श्री देवी शुक्ला जी कह रही है मैं मेल मेड सोसाइटी मनीषा जी आपको देख रही है, नमस्कार आपको बोल रही है। भावना जी, भावना शंकर जी कह रही है कि लिंक हमें पता नहीं था कैसे और यहाँ तक पहुंचे, लिंक मैंने दिया था नीचे, भावना जी आपने देखा नहीं होगा शायद। उसके बाद पपोरी गोस्वामी जी हैं, वो कहते हैं पपोरी पपोरी कराया गया पपोरी पपोरी हाँ जी जी पपोरी गोस्वामी जी, स्त्री को चुप कराया गया स्त्री को जी। और हाँ उषा किरण खाने जी ने आगे लिखा है इसलिए लड़वाता रहता है। मैंने बताया ना कि पुरुषों में और अंग्रेजों में एक साम्य है, पुरुषों में और अंग्रेजों में एक साम्य है, फूट डालो और राज करो। तो इस समय स्त्रियों के बीच जितनी लड़ाइयां होती हैं सब वो कराते हैं, पुरुष कराते हैं। हमेशा देखोगे दो स्त्रियों में अगर बहुत एक दोस्ती होगी वहां वो पुरुषों को सबसे अधिक करता है। घर में भी सास बहू के बीच एक पति होता है, एक बेटा होता है किसी का, वो चाहता नहीं कि यूनिटी बनी रहे क्योंकि उसकी अपनी सत्ता खतरे में पड़ती है। तो पुरुष को हमेशा सत्ता में रहने की आदत है और जैसी दो स्त्रियां एक होती है वो बीच में घुसते और दरार डाल देते हैं। अच्छा स्त्रियों के क्या है ना, बताया जाता है खुद करती है, नहीं स्त्रियां करती तो खुद ही है लेकिन समझेंगे कब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पुरुषों की साजिश क्यों नहीं समझते हो। आप समझो क्या दो लोगों को लड़ाने के पीछे उनकी अपनी सत्ता कायम करना है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, दोनों स्त्रियों से पैरेलल डील करना है उनको, इसलिए दोनों को लड़ा दो। और मेरे तो इतने अनुभव है पुरुषों की दो स्त्रियों को लड़ाने के, क्या मत पूछो। मैं तो हम दो स्त्रियों का आपस में लड़ने का कोई वजह ही नहीं है, हमेशा एक तीसरा पुरुष होता है उसके बीच में। कभी तीसरी औरत ने आज तक हम लोगों से नहीं, मेरी तो जितनी भी दोस्तों से लड़ाइयां हुई है कोई स्त्री हुई है नहीं सेंटर में, सारे पुरुष हुए हैं जो इधर से उधर आग लगाते रहे। औरतें चुगलखोर कही जाती हैं लेकिन मैंने तो पुरुषों से ज्यादा आग लगाने वाला, आग लगावन बोलते हैं, मैंने देखा ही नहीं जो दो स्त्रियों को एक साथ देख जी। तो उनके स्त्री द्वेषी है मूलतः स्त्री द्वेषी है, स्त्रियों को बहुत खुश देख नहीं सकता। उषा दीदी ठीक कह रही है जी। कुछ आर के डंडोरिया जी लिखते हैं स्त्रियों में आर्थिक आत्मनिर्भरता, अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादी परंपराओं का अंधानुकरण ही उनके पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण। आपको क्या लगता है ठीक कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि स्त्रियों में आर्थिक आत्मनिर्भरता, अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादी परंपराओं का अंधानुकरण उनके पिछड़ेपन का कारण है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम उनसे पूरी तरह सहमत, वो अच्छी तरह इस बात को, लेकिन
शिक्षित स्त्रियों को भी बहुत आजादी नहीं है। दिक्कत यह है कि बहुत सारे अभी कस्बों में आप चले जाए तो स्त्री को शिक्षा इसलिए देते हैं कि परिवार को ठीक से चला सके, बच्चों को देख सके, वो घर परिवार में, और एक शिक्षित स्त्री थोड़ी स्टैंडर्ड वाली होती है, वो ये नहीं या कमाएगी तो परिवार चलेगा अच्छे से। स्त्रियों को शिक्षा तो चारु गुप्ता ने, इतिहासकार है, उन्होंने तो लिखा ही है कि 19वीं शताब्दी में जो स्त्री जो गूंगी गुड़िया से अचानक बोलने लगी, 19वीं शताब्दी तक क्या होता था कि सारे पुरुष अपने सिराने में मनुस्मृति लेकर सोते थे और औरतें गूंगी गुड़िया थी जो बोलना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनको पढ़ाई का महत्व तो समझ में आ गया, तो और इन इधर इन लोग को भी समझ में आ गया कि स्त्री सुबोधनी होने से काम नहीं चलेगा, अगर परिवार चलाना है तो थोड़ी पढ़ी लिखी स्त्री चाहिए। तो पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया कि स्त्रियों को अपने बराबर लेकर आना है। मैं फिर कह रही हूँ कि आज भी, अब तो नई पीढ़ी बदल रही है, हमारे बच्चे बदल रहे हैं, हमारी बेटियां भी बदल रही हैं, तो अब सबक सिखाएंगी उनको, बताएंगी कि बराबरी क्या होती है, लेकिन हमारी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी तक भी बराबरी वाला भाव नहीं है कि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दोनों समान धरातल पे। पुरुषों के दिमाग में बराबरी घुस ही नहीं रही है कि स्त्रियां बराबर की हैं, ये बात उनके दिमाग में नहीं घुस रही है, और ये चीज परिवार से है मिसिंग। बाहर तो आप लड़ भी ले कि हम बराबरी पर है, मंचों पर आज देखिए ना, चार मर्द एक औरत बैठी होती है, कहां देते हैं, कहां बराबर का पार्टिसिपेशन देते हैं, क्यों नहीं दो पुरुष दो स्त्री बिठाते हैं, नहीं बिठाते हैं, कहीं भी डिबेट होगा देख लीजिए एक औरत इसलिए रख देंगे कि आरोप ना लगे कि ये मर्दवादी है, औरतों को मौका नहीं देते हैं, तो एक औरत बिठा दो। आप कहीं भी देखिए मंचों पे एक औरत बिठा देंगे, एक स्त्री तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व दे दो, हम प्रतिनिधित्व के लायक है या हम बराबरी में शरीक होने लायक है। आप चार लोग बैठे हैं तो चार स्त्री लाइए वहां, बराबरी इसको कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि स्त्री के नाम पर एक किसी को उठा लाइए, खानी पूर्ति कर दीजिए, बाकी आप चार मर्द मंच पर बैठ के भाषण दीजिए, हम सुनने के लिए पैदा हुआ है तो हम लोग बैठ के सुनते रहे आपको, इसको नहीं कहते बराबरी, इसको कहते हैं। तो ये दिमाग में उनके बराबरी का बोध नहीं है, और जाने कब आएगा। जी जी, निशा अतुल जी लिख रही है, 18 सालों से सुन रही हूँ मैं चरित्र हूँ, हमारी बहुत अच्छी मित्र है, सीधा लिख रही है कि 18 साल से मैं सुन रही हूँ कि मैं चरित्र हूँ, और ये अपने आप प्रगतिशील कहने वाले लोगों से सुन रही हूँ। अरे किस स्त्री ने नहीं सुना, कौन स्त्री बची हुई है? आप हो सकता है कुछ स्त्रियों के कान तक ये बात नहीं गई हो कि वो चरित्रहीन है, लेकिन दूसरी स्त्री ने दूसरी स्त्री के बारे में सुना है, और ये चरित्रहीनता का जो की जो अफवाह है और खबरें हैं, औरतें ही औरतों तक पहुंचाती हैं, औरतें ही प्रसार प्रचार करती हैं इसका, तो इसलिए ये आप जितना आपको चरित्रहीन कहा जाए, आप भीतर से उतनी मजबूत होइए, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं, आप सही काम कर रही हैं और लोगों को चुभ रही हैं, आप चोखेर बाली हैं। तो चोखेर बाली, आप टैगोर की कहानी पढ़ लीजिए, चोखेर बालियां तो आंख की किरकिरी, तो आप आंख की किरकिरी हैं तो आप चरित्रहीन होंगी, इसलिए कि हमारा समाज अभी बहुत पढ़ा लिखा नहीं, और राम गुप्त है ये पितृ सत्ता जो है, राम गुप्तों की सत्ता है, वो ध्रुव स्वामी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, चंद्रगुप्त नहीं बन पाया, जिसके जिसके दिमागी इंटेलेक्चुअल कहलाने से क्या होगा, दिमागी ग्रोथ तो है नहीं, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि कोई स्त्री बाहर निकली है और काम कर रही है और अपने दम पे, आपको पता अकेली स्त्रियां बहुत डराती हैं पुरुषों को, दूसरा मजबूत स्त्रियां बहुत डराती हैं, आप एक वीमेन एक्टिविस्ट जो है उनको बहुत सारे पुरुष अपने घर नहीं ले जाना चाहते, उनको लगता है मेरी पत्नी को बिगाड़ देगी, मेरी पत्नी की संगत होगी तो मेरी पत्नी अच्छा, सबसे अधिक होता है कि फेमिनिज्म बहुत सारे पुरुषों के लिए गाली है, वो दूसरी स्त्रियों को गाली की तरह देखते हैं कि फेमिनिस्ट है, मतलब फेमिनिस्ट होना जैसे कोई गुनाह हो गया, फेमिनिस्ट होना जैसे बहुत बड़ी गाली है, हम अपराध दी है, फेमिनिज्म नहीं करना चाहिए हमें, और हर छोटी छोटी बात को फेमिनिज्म से, जो स्त्रियां भी मैं तो फेसबुक पे देखती हूँ, कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, कहाँ गई फेमिनिस्ट, अब क्यों नहीं बोल रही, ललकारने लगती हैं और तुरंत उनके चेहरे से नकाब उतर जाता है, एक दूसरे के चरित्र पे उंगली उठाएंगी तुरंत नकाब उतर जाता है। मैं तो आप तो पुरुषों पे आज बात कर रही इसलिए स्त्रियों पे नहीं आऊंगी, लेकिन स्त्रियों ने कम निराश नहीं किया है, उन्होंने खुद ही दूसरी स्त्री को इस लायक नहीं रहने दिया, उनके बारे में इस तरह की गॉसिप की बातें की, ठीक है शुरू में
हो सकता है कि मैंने उतना ग्रो नहीं किया हो, तो मैंने कभी किसी स्त्री पे उंगली उठा दी हो, या हम सब उठाते हैं कभी ना कभी, कह यार उसका उससे कोई बात होगी तभी। और देखिए पुरुष क्या खेल करता है कि दो स्त्रियों में से एक को ऊपर उठाएगा, एक को दबाएगा जिसके हाथ में, तो उसमें दो स्त्रियों में स्वाभाविक ईर्ष्या पैदा होती है, तो वहां पर चरित्र पे उंगली उठना शुरू हो जाता है। मुझे उन स्त्रियों से पूछना है कि जब आपको पता है कि वो पुरुष खेल खेल रहा है दो स्त्रियों के बीच में, दो बराबर प्रतिभाशाली स्त्री है, उसमें से एक को उठा के ऊपर ले जा रहा है, एक को छोड़ दे रहा है वहीं पे, तो आप उस समय लाभ ले रही हैं लगातार शॉर्टकट के जरिए ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही है। स्वाभाविक है दूसरी स्त्री आपके खिलाफ प्रचार करेगी, क्योंकि वो लूजर है, तो जो लूजर है वो बोलता है, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो चरित्र पे उंगली उठाता है। तो इसके सबके कारण है कि अगर आपको कोई, तो आप ध्यान दीजिए कि कोई अगर आपको क्यों कह रहा है ऐसा, अगर वो ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए कुछ ना कुछ रीजन हम देते हैं किसी को गाली देने का, झगड़ने का, कुछ कहने का, तो रीजन होता है। और इस हम सब स्त्रियों को भी सोचना है कि हमें पुरुषों की कृपा नहीं लेनी है, हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। ये मैं बहुत अनुभव के बाद बोल पा रही हूँ, मैंने पूरा एक जीवन जिया है इसलिए मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि शॉर्टकट की बहुत प्रॉब्लम होती है। आप तब आपके चरित्र पे उंगली उठेगी, वो पुरुष जो आपको ऊपर उठा रहा है, जो आपसे आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, जो ये मत समझिए कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई पुरुष आपको फेवर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वो संत नहीं है, वो निस्वार्थ नहीं है, वो मूल्य इस दुनिया में फ्री लंच नहीं है, वो सबका मूल्य उसको चाहिए, वो मूल्य वसूलेगा। तो इसलिए और इस समय सारा प्रभाव पुरुषों के हाथ में है, सारे संपादक पुरुष हैं, सारी पत्रिकाएं पुरुषों के हाथ में है, स्त्रियों के हाथ में न प्रॉपर्टी है, न घर है, न साहित्य है, न आलोचना है, न कुछ भी नहीं, न प्रकाशन है, स्त्रियों के हाथ में कहाँ है, कितना है। जो कम स्त्रियां हैं इन सब क्षेत्रों में, वो कहाँ स्त्रियों को प्रमोट करती है, कहाँ स्त्रियों को इतना मौका देती, नहीं देती है। स्त्रियों को जैसे सत्ता मिलती है, उनको लगता है कि मुझ पर स्त्रीवादी होने का आरोप न लगे, मैं समान दृष्टि से देखूं। पुरुष ऐसा नहीं सोचते, स्त्रियां सोचने लगती हैं, स्त्रियों को ये बैलेंस क्यों करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोमिला चौहान जी कह रही है कि आज भी औरत को पर्दे या घूंघट से बाहर नहीं निकलने देते, वो बाहर काम करने जरूर लगी है मगर घर पर आकर वो पर्दे में ही रहती, इसके पीछे औरत भी है जो इसको बढ़ाने में लगी हुई। हाँ, आप आंचल उतार के फेंक दो ना, आप पर दबाव बनाया जाएगा, एक बार कहा जाएगा, दो बार कहा जाएगा, तीन बार कहा जाएगा, आंचल मत रखो। क्यों रखना, ये घूंघट या आंचल मर्दों के लिए तो नहीं है, आप स्त्रियों के लिए बने हैं। तो जब आपको पता है कि ये चीजें आपकी गुलामी का प्रतीक है, आप उनको उतार के फेंको, जैसे आपने सिंदूर फेंका, आपने बिंदी फेंकी, आपने चूड़ियां फेंकी, जो आपको सुहाग चिन्ह लगे आपने फेंक दिया। अरे अभी मैं हाल में एक फिल्म देख रही थी, कादम्बरी, उसमें एक सीन है कि वो जो छोटी बहू आती है, बालिका वधू, तो उसको सीनियर लेडी है वो जबरदस्ती बिछुआ पहनाती है, तो पूछती है बिछुआ किस लिए है, तो वो कहती है इसलिए है कि तुम्हारी नसों को, पैर में एक नस होती है जो स्त्रियों में कामेक्षा जगाती है, उसको दबाने के लिए है। तो बिछिया जोर से दबा दो तो स्त्री के भीतर योनिक्षा जगे ही नहीं। अब आप देखो, अब लेकिन आप बिछुआ पहन के घूमेंगे, जब स्त्रियों को पता है कि ये मेरी गुलामी का प्रतीक है, ये मुझे बंधन है मेरा, तो आप उसको क्यों ढोते हो। हम लोग नहीं ढोते, हमें पता है। हाँ, हम मेरी मर्जी होगी तो मैं सजूंगी, श्रृंगार करूंगी, थोपी हुई चीजें हमें नहीं एक्सेप्ट करनी। मैं सब कुछ करती हूँ, मैं छठ में सिंदूर यहाँ तक लगाती हूँ, मैं बिंदी लगाती हूँ, मैं चूड़ियां पहनती हूँ, मैं सजती हूँ, हम लोग अच्छा हाँ, कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे थोपेंगे तो हम नहीं करेंगे जी। मैं आपके गले को भी ध्यान में रख रही हूँ साथ ही साथ, और आपको कल भी बोलना है, ये मेरी थोड़ी जिम्मेदारी भी है कि मैं इसको ध्यान रखूं। अंका जी बात कर रही है कि अधिकांश स्त्री पुरुषों का ही पक्ष क्यों लेती है। एकदम सही कह रही है अंका, इसलिए उनको पता है कि रहना इन्हीं के हाथ 32 दांतों के बीच जीभ की तरह रहना है। अनका ठीक कह रही है, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पुरुषों के साथ बनी रहना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि फायदा कहाँ है। जिधर हमारे यहाँ कहावत, जिधर देखी खीर उधर गए फीर, तो जिधर ज्यादा ताकत है, जिधर पावर है, उधर ही रहेंगी, उनके बचाव में उतरती हैं, उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो ये तो कंडीशनिंग है ना। देखो स्त्रियां किससे कंट्रोल होती है पता है, स्त्रियों में हमेशा एक खास बात बताती हूँ, स्त्रियों में कंट्रोल होने की आदत है,
और हमेशा अपने से श्रेष्ठ पुरुष को प्यार करना चाहती है, किसी बेरोजगार को पसंद नहीं करेंगी, किसी 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 का किसी कमजोर को पसंद नहीं करेंगी। स्त्रियों को शासित होने की आदत है, कंट्रोल होने की आदत है, अपने से श्रेष्ठ से प्यार करने की आदत है, वो प्रेम के लिए भी जिसे ढूंढती है वो श्रेष्ठ ही ढूंढती है। तो बराबरी कहां से आएगी, तो वो रूल करेगा ही आपको। इसी तरह से स्त्रियों में क्या है कि वो हमेशा उनको लगता है कि ये पुरुष केंद्रित समाज है या उनके द्वारा, तो उनके साथ मिल मिला के चलना है। हाँ चलिए मिल मिला के चलिए, हम तो कहते हैं बराबर बराबर चलिए, खूब मिल के चलिए, वो तो बहुत प्यारा दुश्मन है, वही दोस्त है, वही दुश्मन, वही भाई, वही महबूब, मिलके चलिए। लेकिन अपनी उस पुरानी गुलामी का परिचय मत दीजिए कि हम अभी भी आपकी दासी हैं, ऐसे इस भाव में मत रहिए। इस भाव में हक नहीं मांगते हैं, हक मांगते हैं बराबरी में, आंख में आंख डाल के, दासी बन के हक नहीं मांगते हैं। महिमा श्री देवी शुक्ला का, महिमा जी पूछ रही है, महिमा श्री देवी शुक्ला जी क्वेश्चन है उनके कई सारे। क्वेश्चन नंबर वन, पुरुष की लंपटता अकेली तो नहीं होती, आखिर गलती कहाँ है, स्त्री कब तक शिकार होगी? मुझे लगता अगला क्वेश्चन इनका आगे होगा। आगे आरके डंडोरिया जी दोबारा कह रहे हैं, स्त्री उत्पीड़न का एक बड़ा कारण स्वयं स्त्री भी है, जो भेदभाव बेटा बेटी में, बहु बेटी में करती है। जी वो कंडीशनिंग ऐसी है, मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि स्त्रियों की कंडीशनिंग, लेकिन अब जो पढ़ी लिखी स्त्रियां आ रही हैं उन्होंने इस भेद को खत्म कर दिया है। हम उनके लिए बेटा और बेटी एक बराबर है, बल्कि मेरी पीढ़ी की जो स्त्रियां हैं उन्होंने संपत्ति में भी अपनी बेटी और बेटे को बराबर का हक देना शुरू किया है। तो समाज बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव गाँव में नहीं है, कस्बों में नहीं है, ये बदलाव महानगरों में और नगरों में और बड़े शहरों में है। अभी जमीनी लेवल पे बदलाव नहीं हुआ है और मुश्किल है। मतलब मैं चाहूं कि अपने घर से अपना हक लूं तो मुझे नहीं मिलेगा और शायद हमेशा के लिए संबंध खत्म हो जाएंगे, तो मुझे ये आवाज भी नहीं उठानी है। लेकिन अगर मेरे हाथ में होता और मेरे लेकिन औरतें क्या करें, प्रॉपर्टी औरतों के हाथ में नहीं है, 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक पुरुष है। तो ये बदलाव पुरुष करेंगे, स्त्रियां तो बोलती हैं, चाहती हैं बेटा बेटी एक बराबर हो, लेकिन प्रॉपर्टी देने का वक्त आएगा तो आप बेटों को देंगे क्योंकि आपको लगता है कि वंश चलाता है। ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वंश परंपरा है। इस पर सबसे पहले हमला होना चाहिए कि वंश वंश वंश, अरे मुगलों का खानदान खत्म हो गया, कौन आपका नाम लेवा बचाए, जाने कितने खानदान खत्म हो गए, लेकिन आपको वंश चलाना है। आप मर गए उसके बाद आपका बेटा क्या, पोते तक तो दादा का नाम याद नहीं रखते, आप किस वंश की बात करते हैं, वंश परंपरा। नेहरू जी को किसकी वजह से याद करते, इंदिरा गांधी की वजह से याद करते। तो बेटियों को मानिए ना, वंश परंपरा क्या होता है, बेटी भी अगर काबिल निकली तो आपको वो गौरव और वो सम्मान देगी जो एक बेटा देता है, लेकिन असली संपत्ति है। भावना शेखर जी कह रही हैं, भावना शेखर जी कह रही है, नमस्ते भावना जी। सबके घर में एक फ्यूडल लॉर्ड होता है, स्त्री अपने बचाने में घर को खो बैठती है, कितनी बड़ी विडंबना है। एकदम सही, एकदम भावना जी ने बहुत भारतीय समाज को बहुत अच्छे से समझती हैं वो, और ठीक कह रही हैं, सबके घर में एक फ्यूडल लॉर्ड होता है, बिल्कुल सही, मैं तो भावना जी से सहमत हूँ। और अगर औरत भिड़ती है तो वो अपना सुख चैन आराम सब कुछ खो देती है, और मैं कितनी स्त्रियों को जानती हूँ, शायद उसमें से मैं भी हो सकती हूँ, कि हम सब लड़ते हैं अपने घर की फ्यूडल लॉर्ड से, और लॉर्ड से लड़ के फिर हम सब लड़ते लड़ते ही यहाँ तक आए हैं, संभव ही नहीं है कि आप और दोनों तो चीजें सब जो जिस तरह तो हमें दोनों चीजें बहुत कम स्त्रियों को नसीब है, मिली है और तो कुछ ऐसी खुश नसीब औरतें हैं, कुछ ऐसी खुश नसीब औरतें हैं जिनको बहुत लड़ना नहीं पड़ा, जिन्हें बच्चे और ले लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, सब कुछ की और तो जानती हूँ, मैं ऐसी औरतों को भी जानती हूँ। मेधा झाजी लिखते हैं, अपने ही परिवार में कितनी बार महिलाएं भी आपस में लड़ाई करवाती हैं, सिर्फ इसलिए कि पति पर पत्नी का अधिकार ना हो जाए। माँ सास बनते ही एक अलग रूप में कितनी बार आती है, क्यों इतनी असुरक्षा, क्यों? साथ ही ले लेते हैं तीन चार सवाल, गीता जी आपके अगले का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ कई सारे सवाल ले, मिलते जुलते रहेंगे लगभग सारे के सारे। नहीं वो मैं जो सास वाली जो बात कर रही है, सास वाला वो
दिक्कत क्या है ना कि भारतीय समाज में स्त्रियों के कंट्रोल में उनके पति कभी रहते नहीं है, और स्त्रियां भी कंट्रोल में करना चाहती हैं पुरुषों को, जब उनको मौका मिलेगा वो भी चाहती है उनके कंट्रोल में रहे। तो चूंकि पति नहीं रहता तो वो अपनी सारी दमित इच्छाएं अपने पुत्र से करना चाहती है, तो पुत्र को अपने कंट्रोल में रखती है, तब तक दूसरी स्त्री आती है वो अपने पति पे किसी दूसरी स्त्री का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये तो सनातन लड़ाई है और ये चलती रहेगी आगे। समझदार घरों में समझदार स्त्रियों ने इस चीज को समझ लिया है तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं अपने बेटे से, अपने को एक बहू के दोस्त के रूप में देखती हैं। ऐसे मैंने आसपास अपने कई घरों में देखा, और बहुत अच्छा रिलेशन है सास बहू का, साथ रह रही है, हमारी सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज है जो साथ रह रही है और बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि सास ने एकदम गिव अप किया है कि एकदम से इंटरफेरेंस नहीं है। जहां इंटरफेरेंस होगा वहां लड़ाई होगी, इसीलिए सास बहू कस्बों में बहुत ही ज्यादा, और वहां स्त्रियां चूंकि दमित रही हैं, शोषित रही हैं, तो उनको लगता है कि बेटे के रूप में एक मर्द मिला है जिसके जरिए वो रूल कर सकती हैं परिवार पे। और बेटों की माएं जो होती है ना वो बहुत तगड़े से और चौड़े से रहती है, उनको लगता है कि उनसे उनसे ताकतवर कोई नहीं है, वो चाहे पति को भी कंट्रोल कर लेंगी बेटे के जरिए। तो औरतें भी जिसको देखिए जिसको जहां पे मौका मिलता है वो खेल कर लेता है। जी जी मेधा जी दोबारा फिर करिए। सबको स्मार्ट स्त्री अच्छी लगती है, पर मित्र के रूप में, पत्नी के रूप में अभी भी दबी हुई स्त्रियां ही आज भी पुरुषों को पसंद है। एकदम 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 ठीक कहती हैं, एकदम ठीक कहती हैं। पति से बढ़ चढ़ कर पत्नी को तो भाई पति से बढ़कर तो होना ही नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसका मैं थोड़ा हवाला देना चाहूंगी, उसमें लिखा है, उसमें नारी को बड़ा उत्तम समझा गया, लेकिन वो नारी उत्तम है जो अपने पति को संतुष्ट करती है, पुत्र को जन्म देती है और पति से बढ़ चढ़ कर नहीं रहती है, पति से बढ़ चढ़ कर नहीं रहती है। वो स्त्री बहुत उत्तम है, उसको घर में बहुत सम्मान मिलता है, सब जगह सम्मान मिलता है उस स्त्री को। जी और सवाल ले लो गीता श्री। मैं एक सवाल मैं खुद ही पूछ रही हूँ। ये मुझे लगता है क्या ये सही नहीं है कि वो स्त्री अपने आप को ये मान के बैठती है कि पूरी सत्ता अब मेरे हाथ में है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं स्त्री मान, देखो मैं तो किसी भी सत्ता के खिलाफ, सच कहो तो ना मैं मातृसत्ता के पक्ष में हूँ और ना पितृसत्ता के पक्ष में। सत्ता शब्द जो है ना, जहां भी सत्ता शब्द आएगा वो दमन का प्रतीक है, सत्ता कंट्रोल का शोषण का मालिकाना हक का। तो सत्ता की हम बात ही क्यों करें, हम बार बार मैं कहती हूँ गैर बराबरी खत्म करो, बराबरी की बात करती हूँ मैं, एक बराबर, एक यूनिट दूसरे यूनिट को, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही एक पुरुष को एक स्त्री के साथ करना चाहिए, एक स्त्री को पुरुष के साथ करना चाहिए। ये जो असंतुलन है ना, इसी वजह से स्त्रियां भी ऐसा सोचती हैं, जिसको जब जहां मौका मिले वो वहां पे, वो देखिए खेल है, स्त्री पुरुष तो दरअसल खेलते हैं एक दूसरे से, पूरा जीवन निकल जाता है उनका खेलते खेलते, मात देना सह मात, ये खेल चलता है स्त्री पुरुष के बीच। बहुत आसान संबंध नहीं है स्त्री पुरुष का, जो लोग दिखाते हैं वो सब ऊपर का दिखावा है, भीतर में उनके जो गेम चलता है, दो खिलाड़ी आपस में खूब अच्छा गेम खेलते रहते हैं दूसरे से। बिल्कुल तारावती मीना जी कहती है, शिक्षित व नौकरी पेशा स्त्रियों में भी रसोई या घर के कामकाज की उतनी ही अपेक्षा की जाती है जितनी घर में रहने वाली स्त्री से की जाती है। गीता श्री इस विषय पर भी कुछ बोले, लेकिन बिल्कुल अपेक्षा हम सब आप जवाब दें उससे पहले मेरी तमाम जितने भी महिलाएं हमारे साथ चर्चा में साझा कर रही हैं वो स्त्रियों पर ही बात कर, जबकि आज का हमारा जो विषय था पुरुष नजर में पुरुष क्या है, सवाल वहां से आना चाहिए। मतलब मुझे मैं पूछने वाली थी बीच में आपसे, और तमाम मेरे जो मित्र हैं तो लगातार इस पे प्रश्न कर रही हैं, वो सारे के सारे प्रश्न वही हैं स्त्रियों की हालत पे। हाँ, जबकि हम उल्टी चर्चा रखी है ना कि स्त्रियां इस बारे में क्या सोचती हैं, एक भी सवाल अभी तक मुझे अच्छा लगता है अगर ये जो हमारी मित्र है तारावती मीना जी कह रही है, जो शिक्षित नौकरी पेशा स्त्रियों से भी रसोई या कामकाज कि उतनी अपेक्षा की जाती है वो काम करते हुए घर में करें, अगर इसको उलट दें हम कि स्त्रियां क्या ये सोच सकती हैं या सोचना चाहिए स्त्रियों को कि जो पुरुष नौकरी करते हैं वो घर पे भी काम कर सकते हैं, तो सवाल उलट जाना चाहिए। हाँ नहीं तो नहीं, कोई स्त्री ऐसी अपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकती, मैं इसी तो भी नहीं साहस कर सकती, मैं इसी सवाल पर सवाल कर रही हूँ, और वो सिर्फ पति नाम पति से ही नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटे से जो खुद उसने पैदा किया,
जिस बेटे के पैदा करते वक्त वो जीने और मरने की उसकी स्थिति होती है, उसके बाद जो पैदा होके जब वो पुरुष बन जाता है, वो स्त्री तो उस पुरुष से भी सवाल खड़ा नहीं कर सकती। अरे स्त्री ही उसको श्रेष्ठता बोध देके बड़ा करती है, स्त्री ही अपने बेटे को श्रेष्ठता बोध देकर बड़ा करती है, उसको हर कदम पे बताती है तुम पुरुष हो, तुमको रोना शोभा नहीं देता, मर्द रोते नहीं, मर्द ये नहीं करते, मर्द वो करते, उसको इतना मर्दानगी से भर देती है, ये स्त्री करती है। ये लालन पालन करते समय आप उसको बताओ कि वो भी एक कोमल संवेदनशील प्राणी है जो दूसरी स्त्री को उसी आंख से देखे जिस आंख से खुद को देखता है। तो कहीं ना कहीं हम स्त्रियों को भी तो जिम्मेवारी है कि हम कैसा मर्द दे रहे हैं समाज को, कैसा मर्द बड़ा कर रहे हैं, तो ये हमारी भी है। जबकि पुरुषों में एक तो उनके खून में श्रेष्ठता बोध है, उनके खून में सम्मान की चाहत है, उनके खून में ईगो है, शक्ति अधिकार नैतिकता आग्रह पुरुषों में शुरू से, और वो स्त्री जरा भी विचलन का शिकार होती है तो अनैतिक लगने लगती है, इसीलिए क्योंकि उनके खून में, तो उसको तो ठंडा करने का काम स्त्रियों का है ना, धीरे 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 कंडीशनिंग, जैसे पुरुषों ने स्त्रियों की कंडीशनिंग करके अपने अनुकूल बना लिया, तो अब स्त्रियां करें ना, वही तो पैदा करती हैं और पालती हैं। तो आप जिस मर्द को बड़ा कर रही हैं श्रेष्ठता बोध से, उसको धरती पर रखिए, जमीन पर रखिए, जमीन पर रखिए, उसको जमीन पर रखिए, तब उसको बड़ा करिए। नीरज शर्मा जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, वो ये कहते हैं इस चर्चा को सुनने भी स्त्रियां ही आई हैं, मर्द नहीं आएंगे, पुरुष आने चाहिए थे, स्त्रियां नहीं आएंगे ना, क्या है हमारे बारे में, वो इस लायक ही नहीं मानते कि स्त्रियों को सुना जाए। स्त्रियों को क्या सुना जाए, स्त्रियां तो रोती रहती है रात दिन, हमें गाली देती रहती है, पितृसत्ता कितना सुना जाए, औरतों को एक ही राग गाती कितना सुने, घर में भी सुनते ही सोचते हैं, घर में भी सुनते ही ऐसी एक धारणा बनी हुई, घर में सुनते हैं बाहर। अच्छा ये शिल्पी झा जी बहुत अच्छा लिख रही है, बोलते हैं आपके लिए कि पुरुषोचित स्त्रियां भी कम खतरनाक नहीं होती। एकदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है, एकदम सही। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां जो पुरुषोचित हैं, जो पुरुषों के स्वभाव से ग्रसित हैं, उन्होंने स्त्रियों दूसरी स्त्रियों के साथ बहुत 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 बुरा किया है, ऐसी स्त्रियां। प्रभाकर थुराट जी हैं, वो लिखते हैं जिन स्त्रियों को पूरी तरह आजादी, शिल्पी बड़ा मतलब बहुत अच्छा होना और बहुत पवित्र होना, ऐसा तो जी जी गीताश्री जी प्रभाकर थुराट देखो, जिन स्त्रियों को पूरी तरह आजादी मिलती है, जिन स्त्रियों को पूरी तरह आजादी मिलती है उनमें से शिक्षित स्त्री भी ज्यादा अंधश्रद्धा का अनुसरण करती है। बहुत सारी पढ़ी लिखी स्त्रियां गुलामी पसंद करती है या उसको सही मानती है, इसलिए आज भी स्त्री पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही। स्त्री को गुलामी में रखना पुरुष प्रधान संस्कृति जिम्मेदार है ही, पुरुषों की मानसिकता जिम्मेदार है, इसके लिए महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कायदे बनाए हैं, लेकिन उस कानून का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। समझ आया आपको प्रश्न? हाँ आया, देखो आया 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 समझ में आया, ये सवाल नहीं, वो तो बात कह रही है, ठीक है, ज्यादातर लोग बात ही कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ ज्यादातर लोग बात ही कह रहे हैं, तो ठीक ही कह रहे हैं, मतलब मैं डिसएग्री कैसे करूं, क्योंकि जितने लोग हैं जितनी स्त्रियां हैं सबका अपना अनुभव है, और सब अपने अपने अनुभव के आधार पे अपनी बातें कह रही हूँ, ठीक ही कह रही हैं जी। सुशील रजौरिया जी हैं जो अब्रॉड में सुन रहे हैं आपको, वो कहते हैं कि लेकिन मैम सत्ता के बिना गुजारा तो नहीं, यह आवश्यक बुराई है, आवश्यक है पर बुराई है, मैं नहीं मानती। स्त्रियां कोई मुल्क नहीं है, स्त्रियां कोई मुल्क नहीं है, स्त्री पुरुष संबंध किसी राष्ट्र का मसला नहीं है, राष्ट्र के लिए सत्ता चलेगा, लेकिन स्त्रियां कोई मुल्क नहीं है। उनका पूरा प्रश्न उनका पूरा प्रश्न सुन लेते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। सत्ता के बिना गुजारा नहीं, आवश्यक बुराई है। साउथ सूडान में 35% आरक्षण कोटे के लिए लड़ाई है, तो भारत में 33% के लिए, यहाँ अफ्रीका में तो फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति बेहतर है, भारत में 33% आरक्षण के लिए कब एकजुट होगी हमारी बहनें और बेटियां? क्या बिना आरक्षण के ये संभव है कि महिलाएं सत्ता के स्थानों में आगे बढ़ पाएंगी? अब आप ठीक है, अब आप राजनीतिक सत्ता
सत्ता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता, हाँ राजनीतिक सत्ता की बात कर रहे हैं, मैं सामाजिक सत्ता की बात कर रही हूँ, आप राजनीतिक सत्ता की बात कर रहे हैं। हाँ, सत्ता एक राजनीतिक शब्दावली है, वो राष्ट्र राष्ट्र के लिए की जहाँ परिकल्पना है, राष्ट्र के संचालन के लिए एक सत्ता चाहिए जो पूरे जिसको सरकार कहते हैं। लेकिन हमें पारिवारिक ढांचे में कोई सत्ता नहीं चाहिए। जी। परिवार, आप एक तरफ भारतीय समाज में कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा है, तो ये कितना अंतर विरोध है ये सामाजिक सत्ता में। एक इस अंतर विरोध से जूझने की जरूरत है, पहिए को बराबर करने की जरूरत है। रही बात 33%, देखिए इसमें खेल कर दिया, मैं तो उस दिन लोकसभा में थी, मैं रिपोर्टर थी कवरेज के लिए, जब आरक्षण का जो पेपर था वो फाड़ा गया और फेंका गया और ममता जी ने शॉल स्पीकर के मुंह पे फेंका और भागी और पार्टियों ने विरोध कर दिया। इस देश में जब तक राजनीतिक पार्टियों में सहमति नहीं बनेगी, 33% आरक्षण नहीं मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा स्त्रियों को सत्ता में पूरी भागीदारी नहीं मिलेगी। और अगर हालात बदलने हैं, समाज बदलने हैं, तो राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण जरूर मिलना चाहिए और औरतों को अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, तभी बदलेंगे। नहीं तो हमारी लड़ाई क्रीमी लेयर की लड़ाई होकर रह जाएगी, जमीनी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे आंदोलन का असर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे राजनीति को सुना जाता है, हमें नहीं सुना जाता, साहित्य को नहीं सुना जाता, पत्रकारिता को नहीं सुना जाता, राजनीति को सुना जाता है। जब औरतें सुषमा स्वराज या किसी बड़ी वीमेन लीडर को मंच पे देखती हैं, उनको सुनती हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कि ये राजनीति में, राजनीति सबसे ज्यादा नीचे के लोगों को प्रभावित करती है, जो दलित है, जो बाहर आना चाहते हैं, जो वो उनको लिटरेचर नहीं पढ़ते, वो तो मॉडल देखना चाहते हैं, आप मॉडल बन के जाओ, जैसे हम जाते हैं उनसे बात करते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ एक स्त्री है, उनको आप साक्षात मॉडल दो कि ऐसी स्त्री कौशल है। मैं कौशल को अपनी नायिका मानती हूँ, क्यों मानती हूँ, क्योंकि कौशल एक ऐसे समाज से निकली है लड़के भिड़ के, कि मैं, अगर कोई मुझसे कहे कि मेरी हीरोइन फिल्मी नहीं है, मेरी हीरोइन कौशल जैसी स्त्रियां हैं जो अपने दम पे पहचान बनाती है, मैं तो कौशल पे एकदम फिदा रहती हूँ कि यार क्या क्या लड़की है यार ये, मतलब मैं खुल कर लिखती हूँ कि मेरी नायिका है, तो मेरी मॉडल, मुझे मॉडल मिली ना। समाज में जो नीचे तबके की स्त्रियां हैं, जो दबी हुई हैं, उनको मॉडल चाहिए, वो राजनीति कर सकती है ये काम, साहित्य तो वो काम नहीं कर सकता जो काम राजनीति कर सकती है। तो इसलिए सत्ता वहां ठीक है, स्त्रियों के हाथ में सत्ता आएगी तो शायद हालात बदले, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि सत्ता कहीं चरित्र बदल के एनिमल फार्म की तरह ना कर दे कि जब सुअरों को सत्ता मिली तो वो भी उसी तरह हरकत करने लगे, बहुत बड़ा सताया रही है। तो कई बार होता है कि सत्ता चरित्र बदल देती है, आप सत्ता में आते हैं तो चरित्र बदल जाता है, तो क्या पता स्त्रियों का चरित्र बदल जाए, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं करके। लेकिन मैं समाज में सत्ता के पक्षधर नहीं हूँ, मैं समाज में गैर बराबरी खत्म करके बराबरी की बात करती हूँ। और तभी आपका जो ये जुमला है कि स्त्री पुरुष एक विवाह जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए को बराबर होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं आप अपनी बात पे रहिए, आप दोनों पहिया को एक बराबर रखिए। आजकल तो लेकर ये बोल देते हैं लोग स्टेपनी भी होनी जरूरी है। हाँ, पुरुषों को स्टेपनी चाहिए, स्टेपनी चाहिए अपने लिए, स्त्रियों को इजाजत नहीं, स्त्रियां तो डिस्डिमोना होंगी, मार दी जाएंगी, स्त्रियां तो अन्ना केरेनिना होंगी, आत्महत्या करना पड़ेगा उसको। गीताश्री जी, तारावती मीणा जी दोबारा फिर बात कर रही है, उनकी हम सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कौशल दीदी प्रकारांतर में सवाल वही है, मैंने सवाल दोहरा दिया था आपको, स्त्री यही चाहती है कि पुरुष स्वयं समझे कि हमें बराबर हाथ बटाना चाहिए या रसोई केवल स्त्रियों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम है कि पुरुष स्वयं ऐसी पहल कर बल्कि स्त्री के प्रतिरोध के बाद बदलाव करते हैं। गीताश्री जी, अगर आप परमिशन देना चाहते हैं इसका, बिल्कुल 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 मैं देती हूँ। तारावती बहन, मैं आपकी बात से एक हद तक सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस एटीट्यूड को भी छोड़ देना चाहिए कि हम ये उम्मीद करें पुरुष अपने आप हाथ बटाएगा, बल्कि हमें खुद ये एहसास करवाने की जरूरत है कि स्त्री भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहा है,
दोनों थके आ रहे हैं, दोनों काम करें ना आके, स्त्री क्यों कहे फिर पुरुष को, या पुरुष ही स्त्री को क्यों कहे? तो ये अंडरस्टैंडिंग करने के साथ साथ, मतलब हम सिर्फ ये यूं मान के, हम देख असल में दिक्कत ये होती है कि हम स्त्री हमें बड़ी उदार बने रहती है, यूं मानती हूँ पति ने तो चलो चाय बनानी है बना लेती हूँ, कहेंगे नहीं कि चाय बना के लेके आ, और जबकि पति जब होगा वो तुरंत बोल देगा चलो चाय बना के ला। तो ये जो हमारा जो मैं अभी हमारी एक रिलेटिव में किसी की मैरिज हुई, तो मैरिज के तुरंत बाद ही होना शुरू हो गया जैसे होता है हमारे आम घरों में, तो मैंने बस उसको एक बात कही, मैंने कहा उस, जबकि उसने कहा कि परिवार बड़ा प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव परिवार में ये हालत महिला की है, उसने कहा कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये परिवार तो बड़ा प्रोग्रेसिव था और ये आज ऐसे कर रहे हैं, ये तो आम घरों से भी गए गुजरे हैं। मैंने कहा घर तो सारे एक जैसे होते हैं, स्त्री को अपना अधिकार देने की बजाय लेना पड़ता है, मांगने की जरूरत नहीं, अगर आप खुद खड़ी नहीं होंगी कोई नहीं आएगा आपके बिल्कुल पास, चाहे वो पति हो चाहे लड़का हो अपना खुद का पैदा किया हुआ। कितनी महिलाओं की माओं की दशा हमने देखी है कि बेटे उनकी क्या हालत करते हैं, वो उनको बराबर स्त्री का अधिकार दे पाते हैं? कोई माँ को भी नहीं देते, आप तो पत्नी की बात कर रहे हैं, माँ को भी नहीं देता बेटा, हालांकि बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ा अच्छा लगता है माँ को गर्व होना कि मैं बेटे की माँ हूँ, बेटी की माँ जब होती है वो तो बड़ा बुझी बुझी रहती है, लेकिन बेटे की माँ होना ही अपने आप में बड़ी बात है, वो बेटी की जब शादी करती है तो बड़ा दबी कुचली झुकी झुकी हुई रहेगी, लेकिन जब बेटे की शादी करती है तो उसका अलग ही होता है। तो मैं बस इतना कहना, एक लाइन में प्लीज एक लाइन में बताना चाहती हूँ, जिस सवाल का आप जवाब दे रही थी उनको एक लाइन में मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर स्त्रियां कमजोर और हीन नहीं होंगी तो पुरुष बड़े नहीं बन पाएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, अगर स्त्रियां हीन और कमजोर नहीं होंगी तो पुरुष बड़े नहीं बन पाएंगे, पुरुषों को दीर्घायु होना है, इसीलिए आप ध्यान से सोचिएगा कि सारे व्रत उपवास सब किस पे ला दे, अपने ऊपर तो नहीं ला दे, आपको दीर्घायु होना है तो आप अपने लिए व्रत करिए, लेकिन नहीं स्त्रियां करेंगी, तो इसलिए वो पुरुष जो है ना वो मूलतः बड़े श्रेष्ठता बोध से भरा हुआ है, तो इसलिए स्त्रियों को हीन देखने की उसको आदत पड़ी हुई है और इसी में खुश रहता है। अगर पुरुषों को खुश रखना है तो अपने को हमेशा बैकफुट पे रखो और हीन रखो, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप जो है जो आप ही आपको सब कुछ आता है, तभी शांति बनी रहेगी, पुरुष यही चाहता है, उसमें खुश रहता है, वो इतना मतलब का स्वभाव से पुरुष स्त्री द्वेषी होता है, एक एक लाइन ध्यान से सुन लीजिए। एक हमारे पास एक कमेंट आया कि ऐसा नहीं है, पुरुष भी सुन रहे हैं, हम तमाम पुरुषों का स्वागत करते हैं, हम तो यही चाहते हैं, बार बार गीता श्री जी भी खुद कह रही है कि एक ही रथ के दो पहिए हैं, बराबरी चाहिए हमें, तो हमारी जितनी महिलाएं साथ में आई हैं जो कमेंट कर रही हैं उनका भी स्वागत है, जितने पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रभाकर थोराड जी कह रहे हैं कि मैडम मैं एक पुरुष ही हूँ, मतलब हम मुझे अच्छा लगा। शिल्पी जा कहती है ILO का रिसर्च कहता है कि जिस रफ्तार से घर के कामों में पुरुषों की हिस्सेदारी बढ़ रही है उन्हें बराबर काम करने में 203 वर्ष और लगेंगे, ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है, भारत का तो हाल और बुरा हाल है, उसी के ऊपर हम चर्चा कर ही रहे थे। आगे बहुत सारे सवाल हैं गीताश्री जी, नीरज औरतों के लिए आरक्षित सीटों पर भी नेतागिरी उनके पति ही करते हैं, ये बात तो सही है, मैं इससे सहमत हूँ। इलेक्शन में भी अगर आप देख लें या रिजर्व सीट में जहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व सीट हो वहां लड़ी पंचायत में देखिए। गीताश्री जी आपको एक फनी बात बताती हूँ, जब भी हम बाहर कहीं विदेश में जाते हैं या कहीं भी किसी प्रोग्राम में दूसरे स्टेट में चले गए, आपको पता है एक सवाल अमूमन पूछा जाता है, मेरे से तो पूछा जाता है, आपसे भी शायद पूछा जाता होगा, और मेरी बहनें जितनी सुन रही हैं और मेरे भाई जो सुन रहे हैं या हमारे जो मित्र सुन रहे हैं वो भी इस चीज को सुन रहे होंगे, एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है, आप अकेली आई हैं पति नहीं आया? तो मैं उनको पलट के यही सवाल करती होती हूँ कि अगर मेरा पति आया होता तब भी आप यही कहते कि आप अकेले आए हैं पत्नी को साथ में नहीं लाए,
ये सवाल क्यों लिया? ये सवाल ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जवाब है, हमारी चोरी पकड़ी गई हो कि हम अकेले आ गए, या हमने बड़ा अपराध कर दिया कि हम अकेले क्यों आए। ये महिलाओं की तरफ से भी पूछा जाता है, बड़ा अच्छी हाँ। बात करेंगी और बाद में कहेंगी अच्छा आप अकेले आ जाती हैं, बच्चों को छोड़ के रह लेते हैं बच्चे। देखिए पुरुषों को भी आदत है ट्रॉफी वाइफ लेकर घूमने की, और स्त्रियों को भी आदत है ट्रॉफी हस्बैंड लेकर घूमने की। तो जिस समाज में हम एक बनावटी समाज में जी रहे हैं, जहां पति भी ट्रॉफी है और बीवी भी ट्रॉफी है, तो वैसे में तो ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। जहां पर अकेले, मैं भी बहुत जगह अकेली जाती हूँ, बहुत अकेली दिखती हूँ, तो इसका क्या मतलब है? तो क्योंकि मुझे आदत नहीं है ट्रॉफी लेकर चलने की। जिसको आदत है वो लेकर चले, क्या मैं अकेले पर्याप्त नहीं हूँ? क्या मेरी पर्सनालिटी से कोई दिक्कत है? आप मुझे अकेले नहीं एक्सेप्ट कर सकते? सारी सामाजिकता मैं अकेले निभाती हूँ, क्योंकि मजबूरी है, सबके पास समय नहीं होता कि आप दो लोग जब बहुत व्यस्त होते हैं तो एक साथ आप नहीं जा सकते कहीं, तो मैं अकेली जाती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें कोई कुछ असवाल, मैं कितना सवालों का सामना करती हूँ, और फिर मैं तो ठस जवाब देती हूँ तो लोगों का मुंह बन जाता है। मुझसे कोई पूछता है तो मैं ऐसा जवाब देती हूँ कि दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती है। तो औरतों में इतना साहस तो होना चाहिए कि ऐसे सवालों का सामना करें और वहीं पर चुप कराते। चुप कराना सीखना पड़ेगा, जैसे आपने नो सीखा वैसे चुप कराना सीखिए उसी समय। और एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में सुनना भी बंद करते हैं, क्योंकि जो आपके बारे में बोल रहा है वही बाहर जाके दूसरे के बारे में बोल रहा है, वो आपके बारे में बोल रहा है। तो धीरे ये सारी चीजें बहुत धीरे धीरे आती है, कौशल ये समझ भी धीरे धीरे विकसित होती है औरतों में, चूंकि हम लोग को अभ्यास नहीं है बाहर रहने का, बाहर निकलने का, लोक व्यवहार का हमें आदत नहीं है, और कैसे डील करें, हम कैसे डील करें तो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। तो धीरे धीरे हम, हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम भी बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे हम, और इस तरह के सवालों पर हम डांटना और डपटना और चुप कराना सीख जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हमने कवर करने की कोशिश की है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने आपको, आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, हम लगभग 25 लोगों ने तो शेयर किया है, 189 लोग आपको लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबको समेटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि चर्चा में हम आपके सवालों के कुछ जवाब लें। और ये एक बड़ी सीरीज की तरह से हम देखें इसको कि महिलाएं क्या सोचती हैं पुरुषों के बारे में। जब पुरुष स्त्रियों के बारे में सोच सकते हैं तो महिलाएं भी स्त्रियों के बारे में सोच सकती हैं, यहाँ तक हमें पहुँच जाना चाहिए, कम से कम अब तो पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल, स्त्रियां भी पुरुषों के बारे में सोच सकती हैं, वो पिता के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में हो सकता है, प्रेमी के रूप में। प्रेमी से मुझे लास्ट याद आया एक चीज और नोट किया नीता जी आपने, आजकल हम सोशल मीडिया का जमाना है और लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के संकट की वजह से हम लोग बाहर आ नहीं जा पाते, तो हम लोगों ने एक तरह से आपसी बातचीत का ये जरिया आमने सामने निकाला है। तो जब भी कोई महिला किसी भी तरह के फोटो डालती है, चाहे वो मित्र के रूप में आए, कोई हमदर्द के रूप में आए, या किसी भी तरह के किसी भी रूप में आए पुरुष, वो उसको ज्ञान बहुत जल्दी देता है कि देखो नहीं डालनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको आपको लोग दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देंगे, कल को आपको ये लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या सोचेंगी, आपकी पोस्ट को आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके घर वाले भी पढ़ते हैं, ये भी मतलब महिलाओं का क्या नजरिया है ऐसे पुरुषों की पोस्ट को देख के, अंतिम सवाल। स्त्रियों के पोस्ट आते हैं, फोटो आते हैं तो मर जाके सुंदर, अति सुंदर, आह नैना विराम, मनोहर, मनोरम, मोहक लिखते हैं। पुरुष भी डालते हैं, स्त्रियां नहीं जाती हैं इस तरह से लिखते, स्मार्ट लिखती हैं, स्मार्ट, बढ़िया, यही मैं जा बढ़िया। हाँ, लेकिन वो हाँ, लेकिन वो ठरकी की तरह नहीं, पुरुष क्या है ना, ठरकी की तरह ठरक दिखाते हैं। अगर स्त्रियों ने सुंदर ग्लैमरस फोटो डाला तो आप उस पे जाके ऐसे ऐसे मतलब आजकल की लड़कियां तो कैसी भी तस्वीरें डालती हैं, खूब मोहक तस्वीरें डालती हैं, तो उसमें आप कमेंट जाके पढ़िए, मतलब कमेंट पढ़ के मजा आता है पुरुषों का। लेकिन अगर पुरुष, एक तो देखिए फर्क है यहाँ पे, पुरुष डालते हैं बहुत बहुत ज्यादा फोटो, नहीं बदलते वो, नहीं, स्त्रियां बहुत डालती हैं, पाउट बना बना के सबसे अधिक स्त्रियां फोटो डालती हैं, और तरह तरह के ग्रुप में भी, अकेले भी, और
एक देखिए एक अंतर तो है ना, हम वीनस है वो मार्स है, तो वीनस को, वीनस अपने सौंदर्य पे मोहित रहती है, उसको वो नार्सिस्ट भी होती है, तो हमें हम खुद को अच्छे लगते हैं क्योंकि हमने अपने से प्यार करना सीखा है, तो हम खुद को हमें देखना अच्छा लगता है, तो हम फोटो खींच के अपना डालते हैं, अपने लिए डालते हैं, आपके लिए नहीं डाल रहे, आपसे अप्रूवल नहीं चाहिए, और आप नीचे आके ठरकी की तरह मत लिखिए कि सौंदर्यमयी लावण्यमयी नमक है ये है वो, अब लिखते हैं तो लोग लव साइन है ये सब दे देते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए स्त्रियां नहीं, पुरुष बहुत कम डालते हैं, जब डालते हैं तो स्मार्ट बढ़िया, क्यों, क्योंकि फेसबुक की एक सामाजिकता है कि कोई आपके वाल पे आ रहा है तो आप भी उसके वाल पे जाके कुछ लिख दो, तो स्त्रियां कुछ लिख देती है। हाँ आप ये देखते हैं कि पुरुष स्विमिंग पूल की फोटो डालता है कच्चे कच्चे में, कितने पुरुष ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम एक एक कपड़ा में फोटो डालते हैं, कभी स्त्री को देखा आपने इस तरीके से कोई कमेंट उसके ऊपर किया हो उसके नंगाई को लेकर? कभी नहीं, कभी नहीं। अभी हाल में हमारे एक मित्र गए थे, अभी थोड़ा सा भी हो तो पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो स्त्रियां मतलब पुरुषों के बारे में फिर क्या सोचती है जब ऐसी डालती है, जब पुरुष डालता है? अब पुरुष पुरुष को पुरुष को इजाजत है, एक घटना के आधार पर समय उपयोग कर लेती हूँ, एक घटना के आधार पर मजा आएगा आपको सुन के, आपको सुन के मजा आएगा। मैं एक घटना के आधार, मैं एक दिन दुकान पे ब्लाउज सिलवाने के लिए गई, तो मैंने दर्जी को कहा, मैं कहा भैया ऐसा ऐसा करके सिल, ठीक ठीक सा था एज, बहुत ज्यादा भी नहीं थी बहुत कम भी नहीं थी, हम उम्र भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा ही था, तो मैंने कहा ब्लाउज पीछे से इतना डिप कर, कह रहा मैडम ये इतना डिप अच्छा नहीं लगेगा, और वो बाय चांस की बात है कि मुकेश और मैं साथ में ही थे दोनों, मतलब मेरे पति मेरे साथ में ही था, तो मैंने उसको टालने की कोशिश करी, मैंने कहा भैया आप उसके मतलब आप इतने ही, मैं इतने ही पहनती हूँ, करनी देख लो स्टेप दिखेगा, मैंने कहा ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कितना दिखाना है, मतलब वो मुझे बता रहा है कि क्या करना है, उसके भीतर का मेल जाग गया था ना। मैं यही कहना चाह रही, ऐसे ही मैं दूसरी दुकान पे गई, मुझे लॉन्ग शर्ट चाहिए थी, अंडर शर्ट ना पतले सूट पे नीचे पहनने के लिए, मैंने कहा भैया पिंक कलर की वो व्हाइट कलर की लॉन्ग स्मेज देना, उसने पहले वैसी स्मेज दिखाई मतलब सीधे रूप में कहे अंडर गारमेंट वाला, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लॉन्ग स्मेज चाहिए मुझे, तो उसने पिंक वाली दिखाई, लॉन्ग पिंक वाली, मैंने कहा मैंने तो आपसे व्हाइट मांगी, कह रहा नहीं पिंक वाली चल जाती है कुछ नहीं दिखता। ये बाजारी एकदम तो ये मतलब मैंने उसको ऐसे देखा बस, मैंने कहा मैंने आपको पिंक वाली मांगी है, तो उसने कहा कि मैडम वैसे एक बात बताऊं आपको, दो तीन बार धोएंगे ना पिंक से वाइट बन जाएगी। देखो ऐसे 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 स्त्री विरोधी, ऐसे स्त्री विरोधी स्टेटमेंट बहुत आते हैं। आपको एक फिल्म की याद दिलाती हूँ, शायद उस फिल्म का नाम है लावारिस या क्या भूल रही हूँ, उसमें एक जीना तमान वो छोटे छोटे कपड़े पहन के गुजरती है, तो लड़के सीटी बजाते हैं, तो पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं ऊपर चेयर पे, तो वो कहती लड़के ये इन लड़कों को आप गिरफ्तार करिए, मैं मुझे देख के सीटियां बजाएंगी, तो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग था उस फिल्म का वो बहुत ही स्त्री विरोधी डायलॉग मानती हूँ मैं उसको, वो कहता है कि ऐसे कपड़े पहन के चलोगी तो मुंह से सीटियां नहीं तो क्या मंदिर की घंटियां बजेंगी। ठीक यही बात केरल में पुलिस वाले ने एक लड़की के साथ की, कि जब उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे तो उसके साथ छेड़खानी की, उसके बाद पूरे देश में सलट वाक हुआ और लड़कियों ने ड्रेस कोड के खिलाफ आंदोलन किया, इसी तरह से पिंक चड्डी वाला आंदोलन आपको याद होगा, तो ड्रेसेस को लेके टेलर और दुकानदार सबके माइंड में ये है कि स्त्री का बॉडी जो है ना वो ढकने के लिए है, उस इजाजत नहीं है कि वो तो अब लड़कियां या हम पहनने लगी उस तरह की, नहीं तो स्त्रियों को इजाजत नहीं थी। तो मैंने क्या कहा, अभी भी हमारा जो पुरुष समाज है वो स्त्रियों को अधीनस्थ जाति मानता है, तो वो अधीनस्थ जाति को बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हुए उसको अभी आदत नहीं पड़ी है, अभी पुरुष तैयार नहीं हुए
मानसिक रूप से, इसलिए उसके मुंह से निकला कि ऐसे मत करिए और इससे दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है अपने घर की स्त्रियों को कंट्रोल करने की और स्त्रियों को उसी रूप में देखने की। उसका आप कुछ नहीं करेंगे, मेल डोमिनेट जो है वो एक सेल्समैन के और एक टेलर के जुबान से भी निकल जाता है। तो ये उनका स्वभाव है, ये मूलतः पुरुष स्वभाव है जो स्त्रियों को किसी भी रूप में स्त्री आए उसको वो अपने अपनी संपत्ति की तरह ही ट्रीट करता है। जी, तो चर्चा को विराम दें हम, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और आपको आपका गला भी ठीक नहीं था, इसके बावजूद भी आपने इतने समय, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम भी, तो थैंक यू आपके साथ मेरे पास। तो थैंक यू शब्द तो बिल्कुल औपचारिक है, आप बिल्कुल एकदम बिंदास तरीके से जिस तरीके से आप चर्चा करती हैं, बातचीत करती हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से नजर को चेंज करने का एक आयाम आप देती हैं। और यही वजह थी कि हम चाहते थे कि स्त्रियां पुरुषों के बारे में क्या सोचती हैं, पुरुष उसको समझे संवेदनशील तरीके से। महिलाओं की इच्छाएं हैं, अपनी कमियां भी हो सकती हैं, कमजोरियां भी हो सकती हैं, उन कमियों कमजोरियों के साथ हम महिलाएं पुरुषों को देखती हैं, चाहे किसी भी तरह का रोग का पुरुष हो। और वही बात, समाज तो दोनों तरह से चलेगा, हमें समानता चाहिए ना कि कंपटीशन। हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गीताश्री का बहुत 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 इतना सारा धन्यवाद करती हूँ, और तमाम मेरी नायिका हमारे साथ जुड़े हुए थे जो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने सारे लोगों के सवाल, जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल छूटे भी होंगे। मैं गीताश्री जी की तरफ से तमाम मित्रों से ये कहूंगी कि अगर इस चर्चा को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे तो गीताश्री जी ने इतनी आवाज में दिक्कत होते हुए भी इतना कीमती समय हमें दिया है, इसलिए चर्चा के लिए हम यही विराम देते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच गीताश्री जी, आपका यश ऐसे ही फैले फूले और विवाद तरीके से आप अपनी बातचीत करते रहे। आपकी आवाज मैं आज सुनना चाहती थी गाने के रूप में, उधार रहा। एक बार फिर आपसे किसी दिन जब आपका गला ठीक हो जाएगा तब मैं लोकगीत सुनना चाहती हूँ आपसे। चर्चा आपसे बिना बताए, आपसे एक दिन चर्चा मुझे और चाहिए लोकगीतों के ऊपर। और मुझे पता है आप खजाना है लोकगीतों का, इसीलिए हमने कहा था हमारी जो बारिश रहे हैं हमारे, उनकी जुबान हम जो बने हैं वो लोक गीतों के माध्यम से छुपा हुआ धन है हमारे पास, हमारी वो विरासत है जिसको हमने संजो के रखा हुआ है। इस धन को, इस विरासत को हम अपनी बहनों के बीच में, अपने तमाम मित्रों के बीच में एक दिन और साझा करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा, शुक्रिया बहुत बहुत, जय भीम जय भारत। मैं चली इसको कैसे बाहर होते हैं भाई, उधार रहा, अगली बार सुनेंगे। थैंक यू।